हो गई दाल तैयार? जी, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तुम्हें याद आ रही है? सब ठीक हो जाएगा, आजमाइशें थोड़ी देर के लिए होती हैं। बाहर जो हमीदा आंटी बैठी हुई है ना, ये बहुत अच्छे रिश्ते बताती हैं। देखना तुम्हारे लिए भी बहुत जल्द एक अच्छा रिश्ता ले आएंगी और तुम अपने घर की हो जाओगी। हमारा अपना घर भी कितना अच्छा था अभी, मैं पड़ोस इतना अच्छा था, मैं वहां इतना आराम से रहती। आप पता नहीं मुझे यहाँ क्यों ले आए, किसी और के घर में अच्छा नहीं लगता। अकेली कुंवारी लड़की नहीं रह सकती, और शारद भी वो घर बेचकर कोई कारोबार करना चाह रही है। तुम तो जानती हो ना, खाली तनख्वाह में गुजारा करना कितना मुश्किल होता है। हाय काश अब्बा मकान की जगह कुछ और भी छोड़कर गए होते, या फिर अम्मा ने मेरी किसी बड़े घर में शादी की होती। आप भी इतना अच्छा घर किया है आपका, आपके पास अच्छी फैमिली है, अच्छा शौहर है, इतना ख्याल रखता है, और फिर एक बेटा है। इंसान को क्या चाहिए होता है? जरूरत की चीजें हैं, ऐश भी नहीं। आप भी, आपके पास एसी वाला कमरा है, हम कितना बड़ा फ्रिज में ठंडा पानी पीते हैं रोज, अच्छी गाड़ी भी तो है, और वो महंगा जोड़ा, यही तो दुख है। जोड़ा है जोड़े नहीं, कमरा है कमरे नहीं, गाड़ी है गाड़ियां नहीं, और जहां ये सब एक एक हो ना, जरूरत की है। अम्मा वो मालदार बेवा के रिश्ते का क्या बना? इनकार कर दिया उन्होंने। इतनी बदसूरत लड़की ने मुझे इनकार कर दिया? इतनी मुश्किल से मैंने अपने दिल को बनाया था उसे शादी करने के लिए, ये क्या तरीका है? जी हाँ, इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि लड़के की वजाहत का अचार डालना है, लड़का कमाता कुछ नहीं। हाँ तो कमाता होता तो उनकी जिनजादी से शादी करता मैं। कि यार ये लालची दुनिया है। एक और रिश्ता भी है मेरे पास, मालदार है, यतीम और बेसहारा है। यतीम और बेसहारा तो मैं भी हूं, मैं उसका क्या करूंगा? देखा मात, मैं तंग आ गई, तू शादी कर ले, हो सकता है आने वाली के नसीब से तुझे नौकरी मिल जाए। अरे मेरी खिदमत करने वाली भी कोई घर में आ जाए, एक तो तेरी भाभी की बातें सुनू, ऊपर से उसका फूहड़पन भी झेलू मैं। माँ मेरी बात सुन, अगर कितना ही मसला है तो कोई काम करने वाली रख ले, इस तरह की लड़की से शादी करके क्या फायदा होगा? पैसे तो जैसे तेरी जेब से जाते हैं ना, और जो चार पैसे तेरे बाप की पेंशन और किराए के आ रहे हैं वो मैं बर्बाद कर लूं, लेकिन तू कोई काम ना करना।